हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आज हम आपको ले जाने वाले हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर, जहां पे मुर्गियों के बच्चे पाले जाते हैं। तो दोस्तों, मैं दीपक बिष्ट आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान के दीपक में। तो आइए चलते हैं पोल्ट्री फार्म के अंदर और देखते हैं कि यहाँ मुर्गियों का पालन कैसे होता है, बच्चे कैसे पाल ले जाते हैं और वह बड़े होकर मार्केट में आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ले जाना चाहेंगे इसके अंदर। जैसा कि पोल्ट्री फार्म आप बड़ा सा देख रहे हैं, इसमें लगभग 1000 बच्चे पलते हैं। इस समय अभी यहाँ पे 1000 बच्चे डले हुए हैं, जो कि टाइम पे बढ़ जाएंगे और यह एरिया थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह इनका चारा है। ये चारा काफ़ी हाई कार्बोहाइड्रेट हाई लेवल का होता है, जिससे कि इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है, बहुत जल्दी यह बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से यहाँ पे बढ़ा जाता है, लटकाया जाता है, ताकि यह नीचे रखा हुआ रख के इसको गिरा दें। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सभी मुर्गियों के बच्चे इन दानों को खा रहे हैं, यह टाइम टाइम पे खाते रहते हैं। और यहाँ पे पानी के डब्बे भी रखे जाते हैं, जिनमें से यह प्यास लगने पर पानी पीते रहते हैं और यह पानी थोड़ा थोड़ा करके नीचे को आता है। यह डब्बे कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भी यहाँ पे कुछ खाना खा रहे हैं और कुछ पानी पी रहे हैं, उसके बाद यह आराम करते हैं और इनकी ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, जैसा कि हमने बताया था, यह दाना काफ़ी महंगा भी आता है। इसमें मक्की का, बाजरे का और काफ़ी हाई फीड होता है और यह आराम करते हैं। इस समय इनका वज़न लगभग 300 से 400 ग्राम हो चुका है। यह एक महीने में 1 किलो से 1.5 किलो तक के हो जाते हैं, लगभग 30 से 45 दिन में। और इनको लगभग 45 दिन में लगभग ये 2 किलो के हो जाते हैं। उसके बाद इनको पोल्ट्री फार्म से निकाल के मार्केट में भेज दिया जाता है। कुछ पोल्ट्री फार्म वाले इसको लगभग 60-70 दिन रखते हैं, जिसमें कि वह इनका वज़न 4 से 5 किलो तक बढ़ा देते हैं, जिनमें कि उनको और भी फायदा होता है। लेकिन उस कंडीशन में यह दाना बहुत खा जाते हैं, क्योंकि दाना बहुत महंगा होता है। अगर आप भी पोल्ट्री फार्म खोलने का ख्याल रख रहे हैं, तो उसके बारे में काफ़ी अच्छे से जान लें, समझ लें। यह बिजनेस तो सही है, यह डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से चलाते हैं। आप देख सकते हैं, बड़ा सा एरिया है, अभी पूरी फार्म में थोड़ी जगह खोली हुई है, क्योंकि जैसे ही बड़े हो जाएंगे, उसके लिए इनको और जगह चाहिए होगी, तो फिर हम इस जगह को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इसलिए इन्होंने ऐसा किया हुआ है। आप देख सकते हैं, नीचे इसमें लकड़ी का बुरादा रखा हुआ है, जो कि टेम्परेचर को काफ़ी अच्छे से मेंटेन करता है। कुछ पोल्ट्री फार्म वाले इससे धान का जो भूसा होता है, उसको भी बिछाते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पे गर्मियों का हल्का सा मौसम है, इसलिए उससे काफ़ी ज़्यादा हीट पैदा हो जाती है। इसलिए गर्मियों के मौसम में उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, लकड़ी के बुरादे को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इससे इनका टेम्परेचर जो है बने रहता है। तो दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारा यह वीडियो देखा, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करना बिल्कुल न भूलें। कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट पर ज़रूर दें। धन्यवाद दोस्तों।